नमस्कार दोस्तों, सीकेबी सियाड़े चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे, यहाँ जो आपको इंस्ट्रूमेंट आपके सामने मैं रखा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पड़े हैं आपके, तो ये इंस्ट्रूमेंटों के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो मैं हाथ में लिया हूँ इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता हूँ, ये हमारे किस इंस्ट्रूमेंट में, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस के जब यूजिंग हम लोग करते हैं तब उसमें इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग टार्च। ब्लो पाइप बोलेंगे या गैस वेल्डिंग टार्च बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग टार्च का काम क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। ब्लो पाइप के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन, उचित अनुपात में ईंधन इसके द्वारा इधर से ईंधन गैस ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर इस दोनों नोजल से एक एक नोजल के द्वारा ज्वाला तैयार किया जाता है यहाँ पे। और ज्वाला तैयार करने के बाद से अच्छे गुणों वाली ज्वाला या फ्लेम बना के हम किसी भी कार्य के लिए उचित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ईंधन गैस ऑक्सीजन गैस की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए दो निडल वाल्व लगे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन वाल्व है और एक एसिटिलीन वाल्व है। यहाँ एसिटिलीन वाल्व हो जाएगा, ये ऑक्सीजन वाल्व हो जाएगा। अब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, और नियंत्रण करने के लिए इन वाल्व को लगाते हैं ताकि यहाँ से जो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस निकालें तो उसको नियंत्रित भी हम कर सकें, ठीक है। पाइप के हैंडल के पीछे ऑक्सीजन, ये जो पाइप है आपका पूरा है, इस हैंडल के पीछे ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के दो कनेक्टर लगे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है लगे होते हैं। इनमें होज पाइप को जोड़ा जाता है। होज पाइप जो होता है, जो प्लास्टिक के आगे कनेक्टर लगाया जाता है, वो होज पाइप कहलाती है। इनमें लाके जोड़ दिया जाता है। ब्लो पाइप ऑक्सीजन गैस की सप्लाई के आधार पर कई प्रकार के बनाए गए हैं, जैसे हाई प्रेशर ब्लो पाइप, लो प्रेशर ब्लो पाइप, स्वचालित ब्लो पाइप। तो अब इसको एग्जाम्पल मैं पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे? आपका कनेक्टिंग नट बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो होज पाइप होता है उसको लाके इसमें जोड़ते हैं और यहाँ से टाइट कर देते हैं, इसको कनेक्टिंग नट बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ का जो पार्ट बोला जाएगा वो हैंडल हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेशर दिया जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर। ये जो है आपका जो ऊपर का कनेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टिंग नट के द्वारा यहाँ पे जाके प्रेशर को कंट्रोल या मतलब इसको अधिक या कम करने के लिए ऑक्सीजन कनेक्टिंग नट लगाया जाता है यहाँ और यहाँ दोनों को कंट्रोलिंग सिस्टम से। और यहाँ नीचे की बात करें तो एसिटिलीन नीडल वाल्व है, ये जो होती है इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर नीडल वाल्व होती है और ये आपका नट हो गया। एसिटिलीन एसिटिलीन होज कनेक्टर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन होज कनेक्टर हो जाएगा और ये एसिटिलीन निडल वाल्व हो जाएगा और ये ऑक्सीजन निडल वाल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद से यहाँ इसके नीचे जो बेस है इसको टार्च बोलते हैं। यहाँ से दोनों, ये धारा जो निकलती है दोनों इस तरह से निकलती है दोस्तों। इसके बीचों बीच में ग्रीप होता है, ठीक है। और ग्रीप के कारण से एसिटिलीन प्रेशर के रूप में प्रवेश करता है यहाँ पे, बिल्कुल पतली धार के रूप में, ठीक है। जब इसको आप खोलेंगे यहाँ से तो दिखाई देगा है, बिल्कुल प्रेशर के रूप में यहाँ पहुंचता है। और टार्च हैंडल इसको पूरा जो है यहाँ पे हम जो पकड़ रहे हैं इसको टार्च हैंडल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और एसिटिलीन प्रेशर जब यहाँ से देता है तो यहाँ पे आपका जो इतना सारा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, मिक्सिंग चैम्बर इसका नाम बोला गया है, यहाँ पे आके मिक्स होता है। ये धारा ऊपर से आएगी, नीचे से ये धारा, मतलब एसिटिलीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एसिटिलीन वाल्व, ऑक्सीजन वाल्व, और ये आपका कनेक्टिंग हो जाएगा, आपका एसिटिलीन होज कनेक्टर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन होज कनेक्टर हो जाएगा। जब दोनों में से ऑक्सीजन और एसिटिलीन छोड़ा जाएगा तो यहाँ आके मिलती है, और यहाँ आके मिलने के बाद से दोस्तों ये आपका हेड नट बोला जाता है। ये जो होता है इसे हेड नट बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ से धारा को टीए नट के द्वारा, यहाँ छोटी सी नट यहाँ अंदर लगाई गई है, इसको टीए नट बोलते हैं। अब इसके बाद से आगे बढ़ेगी तो ये जो आपका पीतल दिखाई दे रहा है, तांबा, सॉरी दोस्तों, तांबा दिखाई दे रहा है। तांबर का गलनांक कितना होता है? 1080 से 1083 तक होता है। और यह जो होता है हमारा पॉइंट में आएगा यहाँ पे टार्च माउथ का। और टार्च माउथ जो होता है दोस्तों, इस टार्च माउथ के द्वारा किसी भी चीज़ को पिघलाने के लिए, जोड़ने के लिए हम फिलर राड के द्वारा काम यूज करते हैं। और इसे हम इस पॉइंट को हम जैसे फाइल में टिप टू पॉइंट बोलते हैं, इसी तरह से पॉइंट बोलेंगे, लेकिन इसको हीटिंग फ्लेम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? हीटिंग फ्लेम भी बोलेंगे और वेल्डिंग टिप भी बोल सकते हैं।
कांपर की ये पूरी टीप जो होती है किसकी होती है, कांपर की बनी होती है। उसका फिजिबिलिटी गलनांक जो होता है 1080 से 1083 तक होता है। ये आप बिल्कुल समझ चुके हैं। ये बड़ा वाला आपका कौन सा है दोस्तों, ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग टार्च जो है वो बड़ा वाला है। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों जो आप देख रहे हैं स्मॉल वाला है दोस्तों, ठीक है। सारी प्रक्रिया वैसे ही होती है, इसमें भी स्मॉल वाला है। सबसे अधिकतर हम लोग इसी का यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटे काम के लिए यूज किया जाता है और ये बड़े काम के लिए यूज किया जाता है। अब आगे आपको बता रहा है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो है आपका क्या है, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। ये तो आपको पता हो गया दोस्तों, इसका सिंपल है, कांपर टीप है दोस्तों। जब भी इसमें कोई खराबी आ जाती है तो आप यहाँ से नट को खोल देंगे और खोलने के बाद से इसको प्रवेश करा देंगे और इसको लगा देंगे जिस पे मेट्रिक थ्रेड कटी हुई है 60 एंगल वाला। दोस्तों बिल्कुल आसानी से इसको डाल के कस सकते हैं। इसे भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, खोल सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल टाइट है, अभी खुल नहीं रहा है, खुल भी सकता है, आप देख भी सकते हैं इसको। चाहे तो आप पूरे पार्ट को खोल सकते हैं और देख सकते हैं कैसे इसमें मिश्रण होता है और किस प्रकार से इसके थ्रेडेड बने हैं। बिल्कुल आसानी से इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये होल आप देख सकते हैं। चलिए ये थ्रेड है इसमें, और बिल्कुल आसानी से इसको हम कस भी सकते हैं। हर पार्ट इसका दोस्तों अलग अलग पार्ट के रूप में एडजस्टिंग किया गया है, एडजस्टमेंट है, और अलग अलग चेंबर के द्वारा एसिटिलीन ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। किस प्रकार का फ्लेम बनाना है, किस ऑक्सीजन को या एस्पिरिन को किसको ज़्यादा देना है, वो मेटल पे और समय के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ अर्थ क्लैंप पे बात करते हैं, केबल कनेक्टर के बारे में बताते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो होता है तांबे के तार के बने होते हैं या मतलब एल्युमिनियम का बना होता है। इसके अंदर अधिक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, जिनके जोड़ों पर स्पार्किंग होने का खतरा रहता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए ऐसे चीज का इंस्ट्रूमेंट या केबल कनेक्टर का यूज किया जाता है। इसको क्या करते हैं, नट बोल्ट के द्वारा कस देते हैं दोस्तों और इसमें वायर लगा लेते हैं और बिल्कुल हम आसानी से काम कर सकते हैं, इसीलिए केबल कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जैसे वेल्डिंग हम करते हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है दोस्तों, उसमें एक प्लायर के रूप में आकार में बना होता है और इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए वेल्डिंग सेट केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। उसमें जाब भी होती है और जाब को इसी प्रकार से रहेगा। उसके आगे क्या होता है दोस्तों, तांबे की धातु का बना होता है। यहाँ क्या करते हैं, फीलर राड को पकड़ते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है दोस्तों, वो आपका किस प्रकार क्या किस चीज के काम में आता है, ये आपका अर्थ क्लेम्प है दोस्तों। अर्थ क्लेम का कार्य खंड को अर्थ केबल से जोड़ने के लिए, जैसे वेल्डिंग हमें इसे करना है और हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर है और ये अर्थ क्लेम है तो इसको यहाँ पे वेल्डिंग करना है तो ये अर्थ क्लेम इसमें लगा देंगे तभी ये वेल्डिंग होगी, क्योंकि दो धारा जब प्रवाहित होगा तभी जाके हमारा वेल्डिंग हो सकता है। और ये सुंदर वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए कार्यखंड को टेबल के सतत कार्य में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे टेबल है उसमें जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ दिखाते हैं, इसमें अर्थ क्लेम का वायर लगा रहेगा और ये आपको ऐसे आसानी से जोड़ सकता है दोस्तों, और ये बिल्कुल पकड़ा रहेगा। आप यहाँ अगर किसी भी पार्ट पे वेल्डिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये जो आपका है सारे तांबे का टिप है दोस्तों, अगर कोई भी नोजल खराब होती है छोटे स्मॉल वाले में तो इसको लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। कोई भी कमी हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसमें लगा सकते हैं। जैसे आर्क ब्लो की समस्या आती है तो उस आर्क ब्लो की समस्या में हम इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा, स्मॉल स्मॉल के लिए है, ये लॉन्ग के लिए है, ठीक है। ये गैस वेल्डिंग जो होती है स्मॉल कार्यों के लिए और ये लॉन्ग कार्यों के लिए। अर्थ क्लैंप हो गया दोस्तों, आपका ये केबल कनेक्टर हो गया दोस्तों, ये आपका टिप पॉइंट हो गया और ये तांबे का हो गया मैंने टिप हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको गैस वेल्डिंग किस प्रकार से कार्य करेंगे। फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, एसिटिलिन यहाँ से होगा, ऑक्सीजन यहाँ से होगा, ये दोनों वाल्व होते हैं कम या ज्यादा करने के लिए। ये एसिटिलिन यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ऑक्सीजन का यहाँ से होगा, मिक्सर चेंबर है दोस्तों, यहाँ पे जो नट लगी हुई है दोनों को इलाके यहाँ मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद से यहाँ पे धारा को प्रवाहित करता है और ऑक्सीजन एसिटिलिन गैस का जैसे O2 C2H2 को मिश्रण को यहाँ करने के बाद से हमें फ्लेम के रूप में, जैसे कि फ्लेम भी कई प्रकार की होती है, अगले वीडियो में उसको बताऊंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।